ऐसे मतलब चला ना तो हाँ। मेरा आँख खुल गया, जब उधर तक आया तो मेरा आँख खुल गया हाँ। तो मैं देखा क्या साला मैं स्टेयरिंग पर तो है ये नहीं है हाँ। फिर गाड़ी मेरा कैसे जा रहा है हाँ। तब तो इसमें आके मारता है ठाँ दे हाँ। आप अंदर थे? हाँ अंदर थे, सोए थे। अच्छा हाँ। ऐसे सोए थे, मैं उधर चला गया हाँ। ये टूट टाट गया पूरा, उसके बाद ठाँ से आवाज़ आया भड़क गया ठीक है। हम लोग पूरा डर गए थे हाँ। उसके बाद जब ये रुक गया तो वो दारू के नशे में थे और उसकी गाड़ी की भीषण टक्कर कह सकते हैं। इतनी बड़ी मतलब हैंड ब्रेक के बावजूद भी आके इस पुल पे चढ़ गई है। दिखाइए इसको, तस्वीर को दिखाइए, इस पुल पे आके चढ़ गई है। अभी हम NH-27 पे हैं। मैं इस वक्त का सबसे बड़ा तस्वीर दिखाने जा रहा हूँ NH-27 का, जो आप देख के हैरान हो जाएंगे। हैरान इसलिए हो जाएंगे कि दो ट्रकों की भीषण टक्कर हुई है, जिसमें जबरदस्त टक्कर कह सकते हैं। ये ओवर ब्रिज नहीं कह सकते हैं, ओवर ब्रिज इसके आगे है, यानी कि हम अभी हैं सलोना सनबरसा में। ये ब्रिज है यानी कि पुल है, जो एक सामने खेत भी है आप देख सकते हैं, खाई भी है, लमसम 20 मीटर की खाई है। दिखा दीजिए थोड़ा, लाइए कैमरामैन, ये दिखाइए 20 मीटर की खाई है। और ये जो ट्रक है इस पर चीनी लादा गया है, चीनी जिसको हम लोग शुगर कहते हैं इंग्लिश में। अब ये देखिए, ये ब्रिज है जो पुल है, इस पुलिया को कह सकते हैं कि कितनी ज़बरदस्त टक्कर हुई है। और ये रात का घटना है, भाई साहब की गाड़ी है। ये देखिए पुल भी टूट गया और ये गाड़ी यहाँ चढ़ गई है। इसका दो कारण हो सकता है एक्सीडेंट का, मात्र दो। ये कारण हो सकता है कि जो ड्राइवर है सामने वाला, वो नींद उनकी आंखें झप गई होगी, नींद आ गए होंगे और वो गाड़ी तेज में होगी और आके इनसे टकरा गई है। तो कब की घटना है ये? 12:30 बजे रात में। आप गाड़ी में थे? हाँ गाड़ी में हम सोए थे, उधर गाड़ी मेरी लगी थी। अच्छा, उधर लगी थी? हाँ उधर लगी थी। उधर से आके वो इतना स्पीड में वो मारा मेरी हाँ, गाड़ी वहीं मतलब पे। नींद में था या ड्रिंक लिया था? ड्रिंक लिया था तो दारू पिया था हाँ। कह सकते हैं बिहार में दारू बैन है, लेकिन कह सकते हैं जैसे लोग कहते हैं, वार्निंग भी दिया जाता है ड्रिंक एंड ड्राइव हार्मफुल है, तो ये सबसे बड़ा नमूना है। जी बोलिए। तो मेरा गाड़ी वहीं पे खड़ी थी ठीक है ना, तो उधर से लाकर मारा ठाए दे, मेरा गाड़ी हैंड ब्रेक में थी, पूरे चक्के में ब्रेक था, ब्रेक लगा हुआ था। हैंड ब्रेक लगा होने के बावजूद भी कह सकते हैं कहीं ना कहीं, जैसे भाई साहब बता रहे हैं कि जो ड्राइवर थे वो दारू के नशे में थे और उसकी गाड़ी की भीषण टक्कर कह सकते हैं। इतनी बड़ी मतलब हैंड ब्रेक के बावजूद भी आके इस पुल पे चढ़ गई है। दिखाइए इसको, तस्वीर को दिखाइए, इस पुल पे आके चढ़ गई है। जी आगे बोलिए। तो वहाँ से जब टक्कर मारा ना तो वहाँ से ऐसे मतलब चला ना तो हाँ। मेरा आँख खुल गया, जब उधर तक आया तो मेरा आँख खुल गया हाँ। तो मैं देखा क्या साला मैं स्टेयरिंग पर तो है ये नहीं है हाँ। फिर गाड़ी मेरा कैसे जा रहा है हाँ। तब तो इसमें आके मारता है ठाँ दे हाँ। आप अंदर थे? हाँ अंदर थे, सोए थे। अच्छा हाँ। ऐसे सोए थे, मैं उधर चला गया हाँ। ये टूट टाट गया पूरा, उसके बाद ठाँ से आवाज़ आया भड़क गया ठीक है। हम लोग पूरा डर गए थे हाँ। उसके बाद जब ये रुक गया तो हम लोग बाहर आ गए। आप अनुमान लगा सकते हैं जो व्यक्ति इस गाड़ी के अंदर होगा, थोड़ी तस्वीरें क्लियर दिखाइए, जो व्यक्ति इस गाड़ी के अंदर होगा जब ये वारदात हुआ होगा तो उसके मन में क्या चल रहा होगा, वो कैसे बिल्कुल घबरा जाएगा। जैसे कि ये बता रहे हैं कि वो डर गए थे। और अब आगे आइए, मैं दिखा रहा था ये चीनी लादा गया। हालांकि इसमें किसी का जान मान का कोई नुकसान नहीं है, और आगे मैं दिखाने का ये प्रयास कर रहा हूँ। चीनी लादा हुआ है और चीनी गिर भी रहा है, देखिए लगातार चीनी गिर रही है, चीनी है आमतौर पे, यहाँ चीनियाँ गिर रही हैं। उसके बाद ये देखिए, ये जो टक्कर है यूपी की जो गाड़ी है, यूपी की जो नंबर की गाड़ी है, ये देख सकते हैं जो सेकेंड सीट वाला जो होता है, यानी जहाँ खलासी आमतौर में भाषा में लोग कहते हैं कि खलासी बैठते हैं, वो जो पार्ट्स है निश्चित रूप से पूरा मतलब हाफ पार्ट्स डैमेज हो चुके हैं। और निश्चित तौर पे यहाँ जो सेकंड ड्राइवर के रूप में जो बैठे होते हैं उनकी मामूली नहीं कह सकते हैं, जिस तरह की ये तस्वीरें हैं मैं आपको दिखा रहा हूँ, जिस तरह का ये मतलब वारदात है, कह सकते हैं आप अनुमान लगा सकते हैं कि कितनी भीषण टक्कर हुई है। अब थोड़ा इधर आ जाइए और मैं और तस्वीरें दिखा रहा हूँ कि ये जो खेत है, गन्ना की खेत है, और इसी गन्ना से शुगर बनता है जो इस पर लदा गया है, यानी चीनी बनती है। ये देखिए कितनी भयानक है। ये भाई साहब से इनसे बात करते हैं, वाकई में बहुत डेंजर ये एक्सीडेंट हाँ, डेंजर तो है, बहुत ज़्यादा डेंजर है। क्या कहना चाहेंगे ये मतलब एक ड्राइवर कारण, जैसे कि जैसे बता रहे हैं कि ये ड्रिंक एंड ड्राइव था, जो भी हुआ है ड्राइवर की लापरवाही से ही हुआ है ये, क्योंकि ये जो गाड़ी थी यहाँ लगी हुई थी और ये ओवर स्पीड कह सकते हैं और खड़ी गाड़ी है और मतलब काफ़ी तेज रफ्तार। हाँ जब आगे वाली गाड़ी प्रॉब्लम मतलब क्रिएट करेगी तो पीछे वाला तो एकदम नेसेसरी है कि वो आगे उसमें टक्कर देगी ही देगी, जिसकी वजह से दोनों गाड़ियों का नुकसान जो हुआ है आगे वाली गाड़ी के ड्राइवर की वजह से ही हुआ है।
चलिए सबसे गुड न्यूज़ ये था कि ये रात का समय था, अगर ये वारदात दिन में होता तो बहुत बड़ा नुकसान हो सकता था। आप देख रहे थे बात आपकी, कैमरामैन करण के साथ मैं दीपक सिंह कश्यप, धन्यवाद।